इंदौर से खबर है जहां बीजेपी नेता और कार्यकर्ताओं के बीच विवाद हुआ है। बीजेवाईएम के शहर अध्यक्ष से विवाद हुआ है। शुभेंद्र गौर के पिता पर गलत टिप्पणी पर भड़के हैं कार्यकर्ता। कार्यकर्ताओं पर शहर अध्यक्ष की पिटाई का आरोप है। बीजेपी दफ्तर में जुटे हैं कार्यकर्ता। इंदौर से खबर आपको बता रहे हैं जहां पर बीजेपी नेता और कार्यकर्ताओं के बीच विवाद हो गया है। तस्वीरें भी आपके सामने, ये बीजेपी दफ्तर की तस्वीरें हैं। बीजेवाईएम के शहर अध्यक्ष से विवाद हुआ है। शुभेंद्र गौर के पिता पर गलत टिप्पणी पर कार्यकर्ता भड़क गए। कार्यकर्ताओं पर शहर अध्यक्ष की पिटाई का आरोप। बीजेपी कार्यालय में कार्यकर्ता इस समय जुटे हुए हैं। गहमा गहमी का माहौल। खबर इंदौर से जहां बीजेपी नेता और कार्यकर्ताओं के बीच विवाद की खबरें हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। बीजेपी दफ्तर की तस्वीरें हैं, इंदौर बीजेपी दफ्तर की। बीजेवाईएम के शहर अध्यक्ष से विवाद हुआ है। शुभेंद्र गौर के पिता पर गलत टिप्पणी पर कार्यकर्ता भड़क गए। कार्यकर्ताओं पर शहर अध्यक्ष की पिटाई का आरोप लग रहा है। बीजेपी कार्यालय में कार्यकर्ता जुटे हुए हैं। गहमा गहमी का माहौल है। इंदौर से बड़ी खबर जहां बीजेवाईएम के शहर अध्यक्ष से विवाद हुआ। बीजेपी नेता और कार्यकर्ताओं के बीच विवाद हो गया है। बीजेवाईएम के शहर अध्यक्ष से विवाद हुआ है। शुभेंद्र गौर के पिता पर गलत टिप्पणी पर कार्यकर्ता भड़क गए। अधिक जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे इंदौर संवाददाता विकास सिंह चौहान हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, क्या कुछ जानकारी, माजरा आखिर है क्या पूरा? जी बिल्कुल सुमिति, इंदौर के भवरगुआ थाना क्षेत्र का पूरा मामला है जहां पर एक ढाबे पर दो पक्षों का विवाद हुआ। ये दोनों पक्ष भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए, जिसमें एक जो पक्ष है वो शहर अध्यक्ष है सौगात मिश्रा, जो कि युवा मोर्चा के शहर अध्यक्ष है, और प्रदेश मंत्री पर मारपीट और पिटाई का आरोप है। उनके साथ में कई अन्य कार्यकर्ता भी इस दौरान मौजूद थे। जानकारी है कि प्रदेश मंत्री जो शुभेंद्र गौड़ है उन पर उनके परिवार के एक सदस्य की मौत के बाद एक कथित टिप्पणी से ये नाराज थे। इसी वजह से आज ज्ञानी ढाबे पर दोनों पक्ष आमने सामने हुए और जमकर विवाद हुआ। मारपीट की जो घटना वो सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। हालांकि इसके बाद दोनों ही पक्षों की तरफ से कोई बयान निकलकर सामने नहीं आया, बल्कि जो दोनों ही पक्ष और उनके जो समर्थक है वो बड़ी संख्या में भाजपा कार्यालय के बाहर मौजूद है और अपने अपने पक्ष को सुनाने के लिए नगर अध्यक्ष के सामने डटे हुए हैं। विकास, बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए।